जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राइडर पंकज और एक नई वीडियो के अंदर फिर से आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पहुँचे हुए हैं गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब नगरासू के अंदर, जो कि एक बहुत ही शानदार व्यू पॉइंट पे स्थित है और आपको चारों तरफ का मैं व्यू दिखाता हूँ। बहुत मज़ा आएगा यार, एक ऐसा माहौल है चारों तरफ भी, आपका मन लग जाता है यहाँ पे आने के बाद। तो आपको व्यू दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा साहिब के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बाहर से। तो जैसे कि सुबह का भी टाइम है तो आप देख सकते हैं जो गुरुद्वारा साहिब का मेन गेट है वो ये है, और सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है वो यात्रियों के निवास के लिए, यानी नाइट स्टे के लिए जो यात्री यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए। तो जस्ट गेट के सामने बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत शानदार व्यू आता है सामने से, और चारों तरफ देख सकते हो आप ग्रीनरी और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है और देख सकते हैं ये जो सड़क आप देख रहे हो, ये बद्रीनाथ और हेमकुट साहिब जाने का सड़क है, और ये पहाड़ियाँ और इसी रोड पे स्थित है सामने गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। और कभी भी आप अगर बद्रीनाथ या हेमकुट साहिब जा रहे हो तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर रुकना, क्योंकि ये प्रकृति से जोड़ता है आपको और बहुत ही शानदार एक पॉइंट पे बना हुआ है, तो साथ में प्रकृति से जोड़ता और अनुभव करवाता आपको प्रकृति का। तो ये चारों तरफ होटल वगैरह भी है यहाँ पे। तो अभी आपको जो गुरुद्वारा है उसके अंदर के दर्शन करवाते हैं आपको, चलिए चलते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं, ये सामने पार्किंग है। और इधर बाथरूम वगैरह है, सामने बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे टी शर्ट वगैरह जैसे कपड़े आप ले सकते हो। कैंटीन में एक छोटी स्टोर लगी हुई है। और ये सामने लंगर हॉल है जहाँ पे लंगर तैयार होता है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का ताज़ा लंगर तैयार चलता रहता है 24 घंटे। और इधर ये कैंटीन छोटी सी है जहाँ पे आप अपने ज़रूरत का कुछ सामान ले सकते हो। ये इधर लंगर हॉल है, सामने दरबार साहिब है, ये दरबार साहिब जाने का रास्ता है जहाँ पे ये मेट लगी हुई है। और सामने की तरफ ये आप बिल्डिंग देख सकते हो। दोस्तों जिस पॉइंट ऑफ व्यू या जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो ये जगह है, जैसे आप सामने देख सकते हो ये नदी जा रही है और बड़े बड़े पहाड़ हैं सामने, और उसी जगह पे उसी के किनारे चाय पीने का या बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है यार। तो बड़े बड़े होटलों के अंदर भी लोग पैसे दे करके ऐसा नज़ारा नहीं पा सकते प्रकृति के साथ में जुड़ने के लिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, जब भी कभी इस साइड में अगर आप आ रहे हो ना तो ज़रूर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे आइए और इस गुरुद्वारे के अंदर रुकिए, अच्छा लगेगा आपको, प्रकृति से जुड़ने का अनुभव ही कुछ अलग होगा। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे झरना, सामने मेरे जो हाथ का इशारा कर रहा हूँ वहाँ पे वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, वो झरना है। यहाँ पे क्या है, जैसे झरने पहाड़ों से चलते रहते हैं और इनमें ठंडा पानी आता है, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे नहाने का और पानी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है यार, एक शानदार अनुभव रहता है।
मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ भी ऐसी जगह ऐसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे यानी लोग पैसे देकर भी जाना चाहे ना तो नहीं जा सकते, और मैं फ्री में जा रहा हूँ यार। फ्री में दर्शन कर रहे हैं, साथ में गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं, साथ में ऐसी प्रकृति से जुड़ने का अनुभव हो रहा है। बहुत खुद को धन्य समझ रहा हूँ मैं, और अच्छे अच्छे लोग मिले मेरे को। मुझे एक भाई साहब मिले मेरे को कल, वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, वो अभी स्नान कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। अभी चलते हैं दरबार साहिब की तरफ। ये इधर सामने अगर कोई व्यक्ति बीमार वगैरह होता है या कोई हेल्थ इशू होता है तो यहाँ पे दवाइयाँ भी दी जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। ये लंगर हॉल है। ये इधर दरबार साहिब है। मैं अभी सबसे टॉप पे रुका हूँ, गुरुद्वारे की जो मंजिल है वहाँ से भी और भी शानदार आ रहा है चारों तरफ का। ये इधर हॉल बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है रुकने के लिए, और ठंडा मौसम है तो वैसे भी अच्छा लगेगा, चारों तरफ ग्रीनरी है, कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है।